हेलो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं फिर से नया रेसिपी। तो देखिए क्या है हमारा रेसिपी। तो हम देखा रहे हैं आप लोग के रेसिपी, तो हम बना रहा है कटहर। तो कटहर के सब्ज़ी तो बहुत जने खाए हैं बहुत मेरे के, लेकिन आज हम नया तरीका से बना रहे हैं। तो कटहर हम काट ले रहे हैं और काट के हम इसको छील लेंगे। तो हम तो छीलना इसको दिखाएंगे नहीं, हम हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसको हम जल्दी जल्दी छील दिए हैं। तो आप लोग के दिखाई दे रहा है कितना छोटा छोटा हम इसको काटे हैं। तो देखिए ये छोटा छोटा हम काट लिए हैं, देख लीजिए। और फिर ये दूसरा पैन में हम दे दिए हैं, उसमें पानी दे के हम इसको उबल करने के लिए दे रहा है। जैसे उबल करने से जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं। तो देखिए किस तरह से हम उबल कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हम इसको उबाल कर फिर एक छन्नी वाला लिए हैं, तो बर्तन पर रख दिए हैं और इसको छान लिए हैं। और देखिए ये हमारा पूरा तरह से गल चुका है। तो फिर एक किनारे हम इसको रख दे रहा है, कढ़ाई में हम तेल दे दिए हैं, गर्म हो चुका है। और फिर ये जो कटहर है इसमें हम छोड़ दिए हैं, तो इसको बढ़िया से हम भून लेंगे। तो फिर इसमें थोड़ा सा हम हल्दी दे दे के फिर हम इसको चला देंगे। तो इसको हमको लाल करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाल करना है। और फिर यहाँ पर देखिए नारियल भी हम काटे हैं, तो आप लोग को वो भी नहीं दिखाए हैं, पहले पार्ट में हम दिखाए थे किस तरह से हम नारियल काटे हैं। तो फिर यहाँ पर छोटा छोटा करके हम काट लिए हैं और फिर मिक्सी में दे रहे हैं। तो मिक्सी में देने के बाद इसमें हम पानी देंगे, जैसे जब हम पानी देंगे थोड़ा सा पानी हम दे देंगे इसमें, जैसे दूध इसमें से हमको निकालना है। तो देखिए इसमें हम पानी दिए पीस लिए हैं, दूध भी हमारा निकल गया है। तो इसमें और थोड़ा सा हम इसको पानी दे के थोड़ा सा दूध और मतलब ज़्यादा ही बना लेंगे। तो इस तरह से अगर नारियल का दूध में पानी निकालना है, मतलब दूध निकालना है, तो पानी तो ढेर देना पड़ेगा। तो फिर जो नारियल में बढ़िया पानी मतलब दूध होता है वो और बेहतर होता है बनाने के लिए। तो फिर ये देखिए यार, ये जो नारियल के जो बुरादा निकाल रहे हैं, इसके लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ पर देखिए फिर चला है कढ़ाई के पास हम, तो देखिए बढ़िया से हमारा भून चुका है। तो इसको हम एक टू प्लेट में हम उठा लेंगे, ज़्यादा भूनना भी नहीं है। तो फिर हम इसको उठा ले रहा है, तो देखिए किस तरह से हमारा पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह से आपने किसी ने बनाया नहीं है जो तरह से हम बना रहा है। तो फिर इसमें हम 2 चम्मच तेल दे देंगे। तो तेल इसमें हम देखिए छोड़े हैं, तेल गर्म हो चुका है। तो जीरा लंग चाटू दिए हैं, इसमें हम दालचीनी दे दिए हैं, मिर्च दे दिए हैं, इलायची दिए हैं 3 ठू, और फिर बड़ी अच्छे चटकने लगे हैं। और फिर इसको हम उठा ले रहा, तो इसमें बाकी कोई मसाला नहीं मतलब ये फिट होता है ना, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। जो नारियल का दूध से बना जाना तो इसमें प्याज लहसुन नहीं चलता। तो फिर वही कढ़ाई में और 2 चम्मच हम तेल दिए हैं, तो तेल गर्म हो चुका है। तो 2 ठू मतलब तेज़पत्ता दिए, थोड़ा सा जीरा, और फिर इसमें दे दिए हैं हम लाल मिर्च 2 ठू। और फिर हम इसमें जब चटकने लगे तो फिर वो दूध हम इसमें छोड़ दिए हैं। तो दूध देखिए थोड़ा सा हम फिर चला रहे, लेकिन दूध छोड़ने के बाद इसको चलाना जरूरी है धीमी आंच में। तो फिर इसमें हम हल्दी दे दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर दे दिए हैं, कश्मीर के लाल मिर्च पाउडर दे दिए हैं, स्वाद अनुसार नमक हम छोड़ दिए हैं। फिर इसको हम चलाए दे रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आप लोग बीच बीच में इसको चलाते रहेगा, नहीं तो फाट जाने के डर बाप। और नारियल जब बढ़िया होता है तो फाटता नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में चलना पड़ता है। देखिए बढ़िया से हमारा गर्म भी हो चुका है। तो फिर ये कटहर हम इसमें छोड़ दे रहा है, छोड़ने के बाद फिर इसको हम चलाए दे रहा है। तो इसी तरह से आप चलाते जाइए, धीरे धीरे इसको मतलब बनाइए। तो देखिए पूरा तरह से हमारा सुखा गया। तो अगर आप लोग चाहते थे जूस टाइप के हमको चाहें, तो जूस टाइप के आप रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहे जो सूखा ले तो सूखा भी आप ले सकते हैं। तो फिर जो मसाला हम उठा के रख दिए, तो सिलबट्टा में हम पीस लिए हैं और फिर इसमें हम छोड़ दे रहा है। तो ये पूरी तरह से हम मतलब बनाए ले लिए हैं। और देखिए ये हमारा बन चुका है, तो हम गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये कढ़ाई में अगर हम रख देंगे तो और थोड़ा सूखा जाएगा। तो ये हमारा पूरी तरह से बन चुका है, तो हम गैस
बन कर दे रहा है। तो दोस्त इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगता है इसी तरह से बनाना है। तो फिर हम एक टू बर्तन में ले लिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा धनिया के पत्ता छिटक दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा नारियल से और कटहर के सब्जी, इतना मस्त लगता है। तो थैंक यू, बाय, कल फिर मिलेंगे।